हाँ तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टॉयलेट एक प्रेम कथा की 7th डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो जहाँ टॉयलेट एक प्रेम कथा को रिलीज हुए अब 7 दिन पूरे हो चुके हैं, 7वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर हम बात करें तो 7वें दिन अक्षय कुमार की ये मूवी फुल धमाल मचा चुकी है। तो जहाँ पहले दिन का कलेक्शन इस मूवी ने 12 करोड़ 50 लाख रुपए कमाया था, वहीं दूसरे दिन का कलेक्शन 16 करोड़ 85 लाख रुपए था और तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो इस मूवी ने 21 करोड़ तक की कमाई कर ली थी। वहीं अगर हम चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन इस मूवी ने 12 करोड़ की कमाई की और 5वें दिन यानी 15 अगस्त के दिन 20 करोड़ की कमाई की। और 7वें दिन की अगर हम बात करें तो इस मूवी ने 5 करोड़ 25 लाख रुपए कमा के इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है 94 करोड़ 45 लाख रुपए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये मूवी आने वाले टाइम में कितना टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है? जहां इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, तो आपको क्या लगता है ये मूवी वर्ल्ड वाइड के मामले में क्या 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं? तो अक्षय कुमार की ये मूवी आपको कैसी लगी और आने वाले टाइम में ये मूवी कितना टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है? जैसा कि इस मूवी को देख के लगता है कि इस मूवी को देखने के लिए लोग पूरी तरह से प्रभावित है और देखने के लिए पूरी तरह से टॉकीज में जा भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में सिनेमा हॉल में ये मूवी 200 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड में पार कर पाएगी या नहीं? तो ये हमें कमेंट्स में बताओ और ये बताइए कि अक्षय कुमार की ये मूवी आपको कैसी लगी, ये भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जैसे कि एयरलिफ्ट मूवी अक्षय कुमार की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी और इसी के साथ अब अक्षय कुमार की ये जो मूवी आई है टॉयलेट एक प्रेम कथा बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो दोस्तों, बस हमसे जुड़े रहने के लिए बॉलीवुड चलो में एक सब्सक्राइब का जो रेड वाला हुआ बटन है वो दबा दो और हमसे जुड़े रहो, लेटेस्ट वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो दोस्तों, बाय बाय।